मामा श्रीहरी नारायण से भेंट करने की उत्सुकता लिए पार्वती नंदन बैकुंठ पहुंचते हैं, किंतु जब श्रीहरी नारायण को ज्ञात होता है कि लौटते समय उनका भांजा शंख भी अपने साथ ले गए हैं, तो वे विचलित हो उठते हैं। सिंहिका सिंदूरा का कार्य पूर्ण कराने के लिए बजरान तक को बुलाती है। अब आगे मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। अरे हाँ, ये तो आपके ही शंख की ध्वनि है स्वामी। तो क्या पार्वती नंदन आपका शंख ले गया? किंतु मैं ये सोच रही हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे? आप तो ध्यान में भी नहीं थे, बालकों को संभालना भी आता है आपको। पार्वती नंदन तो बहुत विनम्र था आपके प्रति, आपका आदेश मानकर शांतिपूर्वक आपके साथ बैठा भी था, तो फिर आपका शंख उनके हाथों में कैसे पहुंच गया? अब शीघ्र जाइए प्रभु और कैलाश जाकर अपने भांजे से अपना शंख ले आइए, अन्यथा वो इसी तरह शंख नाद करता रहेगा। प्रिये, आप... नहीं नहीं स्वामी, कदापि नहीं। मैं मामा भांजे के मध्य कदापि नहीं आऊंगी। उचित, तब तो मुझे ही कुछ करना होगा। बालक से शंख मुझे ही लाना होगा, मैं ही जाता हूँ। और हाँ स्वामी, किंतु तनिक ध्यान से, कहीं वो शंख भी ना लौटाए और कुछ और भी ले ले। देवी पार्वती के पुत्र को बहलाना सरल नहीं होगा। जो ब्रह्मांड की समस्या सुलझाते हैं वो एक बालक की वजह से इतने उलझ गए। कहाँ गया मेरा पुत्र? यहाँ भवन में देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। नंदी और गण उसे भवन के बाहर देख रहे हैं, कदाचित नंदी को मिल गया होगा। कहीं भी नहीं है, सभी स्थानों पर देख लिया मैंने, किंतु कहीं भी नहीं मिले वो। अब मुझे माता को ये बताना ही होगा। कदाचित मुझे महादेव को भी सूचित करना चाहिए। लीजिए, हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे, ये तो यही है। नंदी, हम सभी को चिंता में डाल दिया इसने, यहाँ वहाँ ढूंढने में बाध्य कर दिया, और है यही उपवन में अपनी क्रीड़ा में मग्न। श्रृंगी जी, कहीं ये भ्रम तो नहीं? मैं जो देख रहा हूं वो सत्य है ना? बालक के हाथों में प्रभु श्री नारायण का शंख ही है ना? मुझे भी प्रतीत हो रहा था कि ये मेरा भ्रम है, किंतु हम दोनों के नेत्र यदि देख रहे हैं तो सत्य ही होगा। नंदी जी, नंदी, ये शंख की ध्वनि कहां से आ रही है? प्रभु, वो बालक आपके पुत्र उनके हाथों में।
उचित होगा। महादेव स्वयं अपने नेत्रों से ही देख लें। श्री हरि नारायण का शंख इसके हाथ में? प्रभु, प्रभु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पुत्र बिना किसी को बताए ही वैकुंठ की यात्रा पर चले गए थे और कदाचित वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख। प्रणाम महादेव। नंदी उचित कह रहे, मेरा ही शंख है आपके पुत्र के पास। इतना नटखट है वो कि मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ और उसने मेरा शंख ले लिया। पुत्र, मेरा शंख लौटा दो। अरे मामा जी, आप आए हैं। मैं तो अभी आपके निवास स्थान वैकुंठ से आपसे मिलकर निकला हूँ। हाँ पुत्र, मैं आया हूँ अपना शंख लेने। लौटा दो मुझे। नहीं दूंगा। इसके साथ क्रीड़ा करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये तो क्रीड़ा कर रहा है, अब मैं क्या करूं? इससे अपना शंख कैसे लूं? महादेव, आपको तो मेरे शंख का महत्व ज्ञात है। इस बालक का उसके साथ इस प्रकार क्रीड़ा करना सर्वथा अनुचित। आप उससे कहिए कि वो मुझे मेरा शंख लौटा दे। श्री हरि, मैं तो ठहरा भोलेनाथ, मुझे बालक को मनाना कहां आता है? उसमें तो आप निपुण हैं, तो आप स्वयं उसको बहलाकर उससे अपना शंख ले लीजिए। उचित है महादेव। सृष्टि के पालनहार के लिए यह कार्य कठिन नहीं हो सकता। मैं स्वयं उसके निकट जाकर उससे शंख मांग लेता हूं, वो मुझे अवश्य दे देगा। प्रभु नारायण, सावधान रहिएगा, महादेव पुत्र हैं बालक, हट भी कर सकते हैं, कदाचित वो इतनी सहजता से आपको शंख न लौटाएं। हे, मामा जी का शंख मेरे पास। मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास है। पुत्र, मेरा शंख मुझे लौटा दो। मामा जी, यदि आपको आपका शंख चाहिए तो मुझे पकड़ना होगा। प्रतीत होता है बालक से शंख लेने के लिए मुझे स्वयं बालक बनना होगा। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। पीछे पीछे हरि उमा सुत आगे, शंख लेने बालक से विष्णु भागे। क्रीड़ा का ये दृश्य अनुपम अद्भुत, देख रहे महादेव कण प्रेत भूत। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। जय देव 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 जय देव। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। इस बालक के लिए बनूंगा महासंकट। पुत्र, शंख लौटा दो। पुत्र, देखिए मामा जी, मैं आपके शंख के साथ उछालकर पकड़ने की क्रीड़ा भी कर सकता हूँ, देखिए। अरे सावधान पुत्र, तुम गिर जाओगे और मेरा शंख भी। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। ओम श्री लक्ष्मी,
सहोदराय नमः। अर्थात स्वामी? देवी, विष्णु देव को शंख की प्राप्ति सागर मंथन से हुई। सागर देवी लक्ष्मी के पिता हैं, इसलिए विष्णु देव के शंख देवी लक्ष्मी के सहोदर भी हैं। उन्हीं के समान निधियों और समृद्धि के प्रति वही शंख है जिन्हें पार्वती के पुत्र से प्राप्त करने के लिए विष्णु देव उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आप पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ लीजिए मामा जी, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र मेरी बात सुनो, पुत्र मेरा शंख लौटा दो। मुझे पकड़िए मामा जी, तभी मिलेगा शंख। आओ बालक आओ, वन में प्रवेश तो करो। यहाँ छिप जाऊंगा मैं तो मामा जी कहाँ ढूंढ सकेंगे मुझे। पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र सुन जी, कुछ क्रीड़ा करें मामा जी के साथ। पकड़िए मुझे मामा जी। ये तुच्छ बालक, ये गजमुख, इसका अंत करने भेजा है असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा मामा जी का शंख। किंतु मामा जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे और क्या क्रीड़ा करूं? कुछ आभास हुआ मुझे, जैसे मेरे पीछे कोई है। कहीं मामा जी ही तो नहीं मेरे पीछे? देखता हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये काठ का पुतला यहाँ कैसे आ गया? किंतु है बहुत सुंदर। हाँ हाँ, उठाओ मुझे, तब तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अरे वाह, इस काठ के पुतले के साथ क्रीड़ा करने में तो बहुत आनंद आएगा। मुझसे क्रीड़ा तुम नहीं करोगे बालक, क्रीड़ा तो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। मामा जी। पुत्र, अब तो पकड़े गए ना? मामा जी, मुझे फेंक दिया इस दुष्ट बालक ने। नहीं दूंगा। आइए आइए, पकड़िए मुझे। मुझसे ध्यान भटक गया इसका, पुनः भागने लगा ये। विष्णुदेव, विष्णुदेव से बच के रहने में ही मेरी भलाई है। वो भी है यहाँ, यदि उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरा अंत निश्चित है, वो अवश्य मेरा वध करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ कोई और भी है। शुभदा के कंटक पर कैसे आ गया ये संकट? श्वास रोक के खड़े रहो वज्रांतक, अन्यथा ये स्थिति घातक हो सकती है तुम्हारे लिए। क्या
थक गए क्या? आइए आइए, पकड़िए मुझे। देवी लक्ष्मी, प्रिय, इस नटखट ने आपको तो कमी भगा है, परंतु मुझे संपूर्ण कैलाश में दौड़ा रहा। पता नहीं कब पकड़ पाऊंगा इसे। पुत्र, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक, अंत तो अवश्य करूंगा इस बालक का, जब पूर्ण रूप से एकाकी होगा ये बालक, वो होगा सही अवसर मेरे वार का, और इस बालक के संहार का। पार्वती, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हो? जया, विजया, मुझे मेरे पुत्र की छठी और नामकरण संस्कारों की तिथि नियुक्त करने के लिए मेरे भ्राता श्री हरि नारायण से भेंट करने जाना है। नहीं दूंगा, पकड़िए मुझे। तुम्हें श्री हरि से भेंट करने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती, वो तो यही है कैलाश में। पकड़िए मामा जी, यदि शंख चाहिए तो पकड़िए मुझे। पकड़िए मुझे मामा जी, मामा जी का शंख मेरे पास है, मामा जी का शंख। देखिए माँ, मेरे पास क्या है, मामा जी का शंख। पुत्र, महेश्वरी, आपके पुत्र ने मेरा शंख ले लिया। नहीं दूंगा, मामा जी का शंख मेरे पास, मामा जी का शंख मेरे पास। पुत्र, पुत्र, पकड़िए मुझे मामा जी, शंख चाहिए तो पकड़िए मुझे। पुत्र, नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा शंख। देते इन्होंने, महादेव तो तंत्र लिया था, ये तो याद लिया ली तो तंत्र ले लिया। माता, बिना किसी को बताए आपके पुत्र तो वैकुंठ की यात्रा भी कराए और वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख, और देखिए अब उन्हें वो लौटा ही नहीं रहे। अरे पुत्र। पार्वती, श्रीहरि को थोड़ा परिश्रम तो कर लेने दो, बालकों को बहलाना आता है उन्हें, ये तनिक हम भी देख ले। पकड़िए मुझे, पकड़िए। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे मुझे, शीघ्र अंत करो अपनी क्रीड़ा तुच्छ बालक। पुत्र, पुत्र, मेरा शंख लौटा दो। पहले पकड़िए मुझे। इसके साथ बालक बन गया मैं, किंतु अपना शंख नहीं प्राप्त कर सका, तो अब बड़ा बनकर प्रयास करता हूँ। मामा जी का शंख मेरे पास, मामा जी का शंख मेरे पास। मामा
कहीं छिप जाता हूँ। किंतु मामा जी कहाँ गए? अब तो तुम्हें मेरा शंख लौटाना ही होगा पुत्र। पुत्र, संपूर्ण जगत का पालन करता हूं मैं, त्रिदेवों में से एक हूं, इसीलिए मुझे छकाना इतना सरल नहीं है। तुम पार्वती नंदन हो, मेरे भांजे हो, किंतु स्मरण रहे मैं भी तुम्हारा मामा हूं। अच्छा, किंतु शंख तो आपको अब भी नहीं प्राप्त होगा मामा जी। लाओ पुत्र। नहीं, मेरा पुत्र। मेरा शंख। शंख तो गया। श्री हरि नारायण पार्वती नंदन के समक्ष इस प्रकार भला उठक बैठक क्यों कर रहे हैं? ये क्या प्रभु? अद्भुत है, एकाकी है ये बालक, निद्रा मग्न है।